दोस्तों, आज बना रही हूँ मैं मटर पुलाव। और उसमें डालूंगी ये शिमला मिर्च। और मैं रिलायंस गई थी दोस्तों, और रिलायंस से लाई हूँ मैं शिमला मिर्च, और ये मटर भी वहीं से लाई हूँ दोस्तों। रिलायंस से लाई हूँ, 25 रुपये पाव मटर लाई हूँ मैं, 25 रुपये पाव। ये पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसमें लिखा है, ये लिखा है दोस्तों इतने रुपए किलो है, 25 बोला उन्होंने मेरे को, तो मैंने थोड़ा और ज़्यादा कर दिया था। ये लाई हूँ मैं पुदीना, ये पता नहीं 15-16 रुपए का कितने का है दोस्तों। और ये लाई हूँ 2 किलो दूध अमूल का। और ये मैंने चावल भिगा रखे हैं, ये अमूल बटर है, ये घी है। मैंने कहा अभी ये देखते हैं ये कौन, ये घी कैसा है। पहले मैं बाबा रामदेव का लाई थी, अब इसको मैं सारा घी पुलाव में डालूंगी दोस्तों। और मैं पनीर लाना भूल गई, आप पनीर भी डालना, बहुत अच्छा बनता है पुलाव दोस्तों। और ये मैंने अंडे उबाले थे, 4 अंडे। और इसमें खिचड़ी बनाई थी, उसके लिए अपने रुद्र के लिए, अपने रुद्र के लिए खिचड़ी बनाई थी। उसमें मैंने ये आलू भी डाल दिया था उबालने के लिए, उसको आलू पसंद है, तो मैंने ये खिचड़ी बनाई थी उसके लिए। मिर्ची नहीं डाली, थोड़ा हल्दी वगैरह डाला। अरे आलू रखा है, आलू भी खा सकता है, मीठा कम खाता है वो। और थोड़ा अंडे की बाहर की वो सब वाइट वाइट होता है वो देंगे उसको, ठीक है दोस्तों। अभी मैं मटर छिल रही हूँ और ये शिमला मिर्च कट कर रही हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी दोस्तों। ये मैंने काट दिए हैं टमाटर, प्याज और लहसुन और अदरक, ठीक है दोस्तों। और फिर आपको दिखाती हूँ कट करके पुलाव बनाते हैं हम जो। दोस्तों मटर मैंने छील लिए, शिमला मिर्च भी कट कर लिए और धो धा के रख दी मैंने। और ये हमारे चावल भीग रहे हैं, ये हमारा धनिया है और ये पुदीना दोस्तों मैंने काटा इसको, और इसको मैं यहाँ डाल दिया। रिलायंस से लाई थी बहुत सारा पुदीना, 15-16 रुपए का दिया दोस्तों उन्होंने, यहाँ पर रेट लिखा होगा तो मैं कितने का है, 15-16 बोल रहे थे। और ये भी साफ करूंगी, ठीक है दोस्तों। ये छोटा छोटा पुदीना है, देसी पुदीना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, है बहुत बढ़िया होता है ये। अब ये है दोस्तों धनिया, इसमें ना घास है, ये वाली घास है, ये वाली घास है दोस्तों, इसमें ये वाली घास है, इसको भी निकालूंगी। ये वाली घास, इसको भी साफ करूंगी, निकालूंगी और फिर दोस्तों आपको दिखाऊंगी। मसाला बनाऊंगी मैं, पुदीना और धनिया और अदरक लहसुन और टमाटर का, ठीक है दोस्तों। फिर दिखाऊंगी आपको जब मैं छौंकूंगी। दोस्तों ये पुदीना धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ पूछने के पीसने के लिए। और इसमें मैंने इससे करा दोस्तों, ये पत्थर से क्रश कर दिया, कभी कभी टुकड़े उड़े रह जाते हैं ना, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। और टमाटर भी डाल दूंगी दोस्तों, और टमाटर भी डाल दिया मैंने, अदरक लहसुन। अब इसमें थोड़ा हरी मिर्च भी डालूंगी दोस्तों। ये मैंने सब छील छाल के रख दिए, ये मैंने दूध रख दिया दोस्तों उबालने के लिए, और ये कुकर रख दिया, इसमें बनाऊंगी दोस्तों। ये हरी मिर्च भी डाल दी मैंने, और अब डाल रही हूँ मैं ये खड़े मसाले। अब मैंने ये वाला घी डाला है दोस्तों,
ये वाला घी डाला मैंने। डाल देंगे हम प्याज, प्याज डाल दिया दोस्तों हमने, और अब थोड़ा सा ये फ्राई होगा। मेरे हाथ में मोबाइल है दोस्तों, थोड़ा दिक्कत होता है वीडियो बनाने। ये देखो दोस्तों, अब मैं पीस रही हूँ ये मसाला, अदरक लहसुन टमाटर और हरी मिर्च, फिर दिखाऊंगी आपको दोस्तों पीस के। दोस्तों ये हमारा प्याज ब्राउन हो गया, अब क्या करें दोस्तों, इसमें डालेंगे ये ग्रीन मसाला। ग्रीन मसाला मतलब ये है पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक। ऐसे बनाना दोस्तों खाना बहुत टेस्टी लगता है। अभी इसमें दोस्तों मसाला वसाला डालूंगी, आपको दिखाऊंगी। अभी ये तब तक थोड़ा सा पक जाए, ये दूध उबल रहा है दोस्तों। दोस्तों ये मसाला डालूंगी, गरम मसाला, ये मिर्ची, धनिया, हल्दी, नमक, और ये थोड़ा सा दोस्तों किचन किंग मसाला डालूंगी दोस्तों, एक चम्मच। और चावल भी मैंने धो दिए, और ये मक्खन जब बच्चों को दूंगी तो तब डालूंगी एक एक चम्मच। और ये नींबू है दोस्तों, इनको निचोड़ के कटोरी में रखूंगी। ये दोस्तों हमारा दूध गरम हो गया, उबल गया अच्छी तरह से, इसको बंद कर देते हैं। दूध खोल गया, मसाला हमारा अच्छे से बन रहा है। इसमें डालूंगी मैं सारे मसाले, मटर, सब्जी, फिर आपको दिखाऊंगी दोस्तों, फिर चावल डाल देंगे। दोस्तों मैंने नींबू निचोड़ दिया और इसको मैंने छान लिया, ये डेढ़ नींबू है, एक और आधा, और छान लिया मैंने इसको। ये भी डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे दोस्तों नमक, स्वाद अनुसार नमक और हल्दी और धनिया, हरी मिर्च भी डाली है, ये हमारी लाल मिर्ची, ये हमारा गरम मसाला। ठीक है दोस्तों, ये हमारा घर का गरम मसाला, ये सब डालूंगी, और ये भी डालूंगी नींबू का रस और थोड़ा सा चम्मच। अभी मैं थोड़ा कैमरा हाथ में दोस्तों दिक्कत हो रही है, तो ये डाल दिया किचन किंग मसाला, किचन किंग मसाला एक चम्मच दोस्तों। ठीक है, अब हमने इसमें डाल देना है, देखो दोस्तों ये मसाला, इसमें सारा मसाला डाल दिया हमने, और मसाला डाल दिया दोस्तों। अब इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च, मटर, ये हाथ से कैमरा पकड़ा है दोस्तों तो हो रही है दिक्कत। देखो
डाल रही हूँ दोस्तों। ये डाल रही हूँ दोस्तों, देखो अभी थोड़ा मेरे हाथ से नहीं, थोड़ा सा भून रहा ये दोस्तों, दिखाती हूँ जब चावल डालूंगी। तो ये मेरा मसाला, मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया सब्जी। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें डाल दिया मैंने नींबू का रस, और अब डालने लगी हूँ दोस्तों इसमें ये चावल। अभी दोस्तों ये हाथ में कैमरा है मेरा, तो मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ा सा मिक्स करके, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये मैंने मिक्स कर लिया चावल, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी डालना है कम दोस्तों, क्योंकि चावल हमारे भीगे थे, बस पानी इतने ही डालूंगी, तुम अपने हिसाब से डालना। मेरा एक डिब्बे चावल था भीगे हुए भी थे, तो इस हिसाब से मैं तो हिसाब से बनाती हूँ, तो हो जाता है अंदाजा। दोस्तों पुलाव बनके हो गया तैयार, ग्रीन पुलाव, और मेरे हाथ में वो वाला दोस्तों मैं ऐसे निकालू। दोस्तों गरम है, मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ रही हूँ, एक हाथ से दोस्तों पुलाव निकाल रही हूँ। तो दोस्तों ग्रीन पुलाव ये देखो दोस्तों, इसमें डालेंगे दोस्तों मक्खन डाल दिया। जल्दी से आ जाइए दोस्तों ग्रीन पुलाव खाने के लिए, पुदीना और धनिया ग्रीन पुलाव। और दोस्तों इसमें अपनी मन पसंद सब्जी कुछ भी डाल सकते हो, आलू गोभी और पनीर बीन्स गाजर कुछ भी डाल सकते हो। जो मेरे को मिला दोस्तों मैंने डाल दिया, और जल्दी से आइए दोस्तों खाने के लिए, नहीं तो घर में बना के बढ़िया से खाना दोस्तों, बड़ा टेस्टी होता है। और नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय बाय।